एवरीवन, वेलकम टू ओबली टिप्स। माय नेम इज वैशाली। आज है 31 अक्टूबर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, तो इसी से रिलेटेड हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, 2018 में आज ही के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था। किसके द्वारा अनावरण किया गया था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। तो इसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी इस सेशन में इंक्लूडेड होंगे। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ इस सेशन के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप सभी इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देर ना करके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो आप सभी को मालूम होगा कि सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे और पहले ये गृह मंत्री थे हमारे। इसके बारे में भी आप सभी को मालूम होगा। और इनको 1991 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इनके द्वारा ही लगभग 565 रियासत भारत की एक हुई थी, जिससे अखंड भारत का निर्माण हुआ था, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, इसी से रिलेटेड स्टेशन में आज क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजरात में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधारशिला कब रखी गई? इसका भी ऑप्शन दिया हुआ, जल्दी जल्दी इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी जल्दी इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 31 अक्टूबर 2018, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई कितनी है? जल्दी जल्दी इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 240 मीटर, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई, जो अभी यहाँ पे मूर्ति की ऊंचाई नहीं पूछी गई, अगर आपसे मूर्ति की ऊंचाई केवल पूछी जाए तो 182 मीटर आपको बताना होगा, ठीक है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 182 मीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष का स्मारक है? इसका भी आंसर जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार पटेल की कौन सी जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया? जल्दी जल्दी इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 143, 143वीं, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस कंपनी ने किया? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, LND, मतलब लार्सन एंड टर्बो, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? इसका भी आंसर जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राम वी सूतर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण में कुल कितना समय लगा? जल्दी जल्दी इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 42 मंथ, मतलब 42 महीने लगे थे कुल इसको बनाने में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध पर बनाई गई? इसका आंसर जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सरदार सरोवर धाम में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनाई गई? इसका भी आंसर जल्दी जल्दी आप हमें दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नर्मदा नदी में, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कमेंट बॉक्स पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें,
जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।